नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद वे विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने नंदीग्राम में राष्ट्रपति के लुक को लेकर टिप्पणी की। अखिल गिरी ने कहा, हम किसी को उनके शक्ल से नहीं आंकते, हम भारत के राष्ट्रपति के पद का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसे दिखती है। टीएमसी नेता के इस बयान के बाद सीएम ममता बनर्जी की भी किरकिरी हो रही है। बंगाल भाजपा ने दावा किया कि जब उन्होंने ये टिप्पणी की तो ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल की महिला कल्याण विभाग की मंत्री शशि पांजा भी वहां उपस्थित थी। भाजपा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी आदिवासी विरोधी है। दरअसल शुक्रवार को टीएमसी नेता शहीद दिवस समारोह के मौके पर नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर उन्हें संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वह शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि मैं अखिल गिरी सुंदर नहीं हूँ, वे कितने सुंदर हैं। इसके बाद उन्होंने अधिकारी को चुनौती देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लिए बिना उन्हें घसीटा। अपने भाषण के दौरान टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी को धमकी भी दी। अखिल गिरी ने कहा, ममता बनर्जी नहीं चाहती इसलिए चुप हूं, वरना मार मार उनका हाथ तोड़ देता। भाजपा नेता अमित मालवी ने अखिल गिरी के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी हमेशा से आदिवासी विरोधी रही है, चुनाव में उन्होंने मुर्मू का समर्थन नहीं किया और अब यह अभिव्यक्ति का शर्मनाक स्तर। हालांकि बंगाल की सीएम की तरफ से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह पहला ऐसा मौका नहीं है जब किसी नेता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया हो। इससे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर विवाद खड़ा कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि आज भी जाने की कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। हालांकि बाद में उन्होंने राष्ट्रपति को लेटर लिखकर माफी मांगी थी। अधीर ने लिखा, मैंने गलती से आपके लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया, मेरी जुबान फिसल गई थी, मैं माफी मांगता हूं और आपसे इसे स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। कांग्रेस के उदित राज ने भी राष्ट्रपति पर चापलूसी का आरोप लगाया था। बाद में उन्होंने भी अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी थी।